Hello my dear students, good morning to all. Today's date is 4th August 2020. Subject spoken English, class 4 to 5. My dear students, today we are going to speak on the topic forest. Aaj hum log baat karenge given topic ya phir theme ke upar jo ki hai forest, theek hai? To aaj hum log forest ke upar baat karenge. To last class mein hum log school ke bare mein baat kiye the, right? Uska kuch sub topic humne diye the aur uske upar humne aapko bole the कि आप उसको रिकॉर्ड करके आप मुझे सेंड करने की कोशिश करें. तो आज का टॉपिक है फॉरेस्ट. तो आपको इसको भी उसी प्रकार से करना है जो हम आपको पिछले क्लास में बोले थे, ठीक है? तो इसमें भी हम कुछ सॉफ्ट टॉपिक्स दिए हैं. जैसे देखिए, फॉरेस्ट, व्हाट इज फॉरेस्ट, वेयर डू यू फाइंड फॉरेस्ट और इट्स एरिया. यहाँ पे बोला गया कि आपको जंगल कहाँ दिखता है और उसका एरिया कैसा होता है. हाउ फॉरेस्ट आर यूजफुल टू ह्यूमंस, फॉरेस्ट किस प्रकार से ह्यूमंस को बहुत यूजफुल होता है, ठीक है? नेम द एनिमल्स फाउंड इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में किस प्रकार के एनिमल्स हम लोग देख पाते या फिर दिखाई देता है. नेम द टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन फॉरेस्ट, किस प्रकार का प्लांट्स फॉरेस्ट में ग्रो करता है. ओके, रीजन व्हाई द फॉरेस्ट इज डिप्लीटिंग और इट्स डिफोरेस्टेशन. यहाँ पे बोला गया कि क्या कारण हो सकता है फॉरेस्ट का मतलब फॉरेस्ट का डिप्लीटिंग का मतलब होता है उसका अभी जो जैसे फॉरेस्ट बदल रहा है, घट रहा है, इसका रीजन क्या है और फिर या फिर डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है? और हाउ कैन वी प्रोटेक्ट टू कंजर्व इट, हम लोग किस प्रकार से इसे कंजर्व कर सकते हैं या फिर प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो देखिए, फॉरेस्ट के ऊपर ये सब टॉपिक्स है. तो हम चाहते हैं आप इस टॉपिक्स के ऊपर फॉरेस्ट के बारे में कुछ बोले, आपसे रिकॉर्ड करें और मुझे सेंड करें. ओके, सो प्लीज ट्राई टू डू इट इन इंग्लिश. ओके, आप इसे इंग्लिश में करने की कोशिश कीजिएगा. सो दिस इज फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.